एक टीवी रियलिटी, एक टीवी शो में मैंने देखा था कि एक गरीब बच्चा 10 रुपया के बुक और पेन खरीद नहीं पाया तो सुसाइड कर लिया। वो स्टोरी मुझे बहुत हर्ट किया था, तभी से मुझे लगना शुरू हुआ था कि मैं कुछ करूँगा गरीब बच्चे लोगों के लिए। और आज छोटू दा अकेले 150 बच्चों के शिक्षा की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव जंगल महल में एक छोटा सा पार्लर चलाने वाले छोटू दा यानी स्नेहा शीज दुर्लभ महीने के महज 10-15 हजार रुपए कमा पाते हैं, लेकिन आज इन बच्चों के लिए वह किसी मसीहा से कम नहीं। हालांकि खुद छोटू दा के घर के हालात भी खास अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता को बचपन से ही जरूरतमंद लोगों की मदद करते देखा था। बीए की पढ़ाई के बाद छोटू दा टीचर बनना चाहते थे, लेकिन जल्द से जल्द परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने ब्यूटीशियन का कोर्स करके अपना पार्लर शुरू कर दिया। जल्द ही वो गांव भर में मशहूर भी हो गए और कुछ पैसे सेव भी कर लिए। तभी छोटू दा को ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाने का ख्याल आया। शुरुआत में जब बच्चे कम थे तब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ने लगे उन्हें पैसों की तंगी होने लगी। फिर उन्होंने कभी बच्चों के लिए लोन लिया तो कभी अपने सोने की चेन बेची। काम के लिए बहुत खर्चा होना पड़ता है शुरू शुरू में, इसलिए अच्छा चलता था, लेकिन दिन के दिन जितना खर्च बढ़ रही है तो चल रही है मेरा जो शॉप है उसी की इनकम से। छोटू दा आज भी हर दिन अपने काम से समय निकाल कर इन बच्चों को पढ़ाने के साथ उनके स्टेशनरी और खाने पीने का इंतजाम करते। हालांकि इस काम में उन्हें परिवार वालों और दोस्तों का साथ मिलता है, लेकिन इतना काफी नहीं। आर्थिक तंगी से जूझते हुए छोटू दा आज भी इसी कोशिश में लगे हैं कि गांव का कोई बच्चा सुविधाओं के अभाव में अशिक्षित ना रहे। अगर आपका थोड़ा सा सहयोग मिले तो छोटू दा के जरिए कई बच्चों के जीवन में बदलाव आ सकता है। अपनी मदद उन तक पहुंचाने के लिए आप उन्हें 9733859956 पर संपर्क कर सकते हैं। बदलाव से जुड़ी ऐसी ही और कहानियों के लिए जरूर फॉलो करें द बेटर इंडिया हिंदी।